मैम आई एम सॉरी मैम, देखो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम क्या करियो इतनी देर से। मेरे पति के आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे बॉस से जाके कंप्लेन कर। नहीं मैम, जाइए कहीं और जाके ड्यूटी कीजिए आप। हाँ मैम, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगी मैम, आई एम सॉरी। कैसी कैसी सेल्स गर्ल होती है आजकल, मेरी सौतन बनेगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक बड़ी स्वीट सी सेल्स गर्ल थी, आपने देखा है कहीं उसे? आपने देखा उसे? आपने भी किसी को ढूंढ रहे हो? वो क्यूट सी शॉर्ट सी लड़की, वो जो सबसे चिपक रही थी, मैंने देखा है। एक्चुअली वो बहुत देर से ना किसी गंदे शक्ल के लड़के को ताड़ रही थी, तो शायद उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आंखें टेस्ट कराने गई है। वैसे तुम हो या आंखों के डॉक्टर के पास? चश्मा बनवाना है ना तुमको भी? मुझे नहीं, तुम्हें बनवाना है। याद है ना टकराया कौन था नीचे? एनीवेज तुमसे बात ही कर रहा हूं मैं, और वैसे भी इस मॉल में ना कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है जो तुम्हारा दिमाग ठीक कर सके। मोंटी, एक के बाद एक ना सारे आइडिया फेल होते जा रहे हैं। हाँ कुछ तो करना होगा, पर साक्षी करे भी तो क्या करे, जब देखो ये दोनों लड़ते ही रहते हैं। ऐसा करो तुम कुछ सोचो। हाँ मैं भी कुछ सोचती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना है जल्दी। लेकिन अब शर्मा जरा मेरे कैबिन में आना प्लीज। काफी टाइम हो गया, अब तक तो रवि आ गया होगा, बट मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? अभी पता चल जाएगा। मैम मैं कम है? या कम है पेपर। शर्मा वो रवि आ गया होगा, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। मैम वो रवि सर का फोन आया था कि वो आज हाफ डे के लिए आएंगे, तो वो लंच के बाद प्रॉब्ली आएंगे। व्हाट, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी मैम। ठीक है तुम जाओ। रवि ऐसा कैसे कर सकता है? उसने खुद मुझसे कहा था कि अभी अभी ऑफिस आ जाएगा। जरूर उस देविका ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। कैसे पता लगाऊं रवि कहाँ है, घर पर है या उसकी वो भाभी श्वेता, उसे फोन करती हूँ। She's a big gossip queen. एक तो मेरी दोनों सासू माएं घर पे बैठी हैं। अरे इनको तो अपनी अपनी बहुओं से बदले लेने तो ले, इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा का सारा खाना मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, तो मैं पहले इतनी परेशान हूँ कि वीर जी की दूसरी शादी भी टूट गई, ऊपर से ये सारा काम। तो काम ऊपर से एक फोन। हेलो श्वेता जी, मैं निवेदिता बोल रही हूँ, निवेदिता लूथरा जी। बोलिए आपको मेरे से क्या काम है? वो मैं एक्चुअली काफी देर से रवि देविका का फोन ट्राई कर रही थी, उनका नंबर नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो अम्बाला का शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ पे शॉपिंग करने गए, बिजी होंगे तो कहाँ से उठाएंगे। और ऊपर से देखिए ना, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, पिसती रहती हूँ। फोन काट दिया, बड़ी मतलबी है। ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो मुझसे मिलने से ज्यादा जरूरी है? पता लगाना पड़ेगा। Well, ड्रेस को पहले मैंने देखा था। देखा था तो छुआ तो पहले मैंने था ना, तो नजर मेरी पहले पड़ी थी। अरे पर उठाया तो पहले मैंने ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो इसको, देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो। क्या हो गया? किस बच्चों की जैसे लड़ रहे हो आप दोनों? अरे बस कर ना, एक ड्रेस ही तो है, और वो भी इस ड्रेस के लिए। दी ये ड्रेस तो आपकी टाइप की नहीं है। यही तो कहा मैंने, ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं करेगी, ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ मिस लूथरा पर अच्छी लगती है, तुम पर नहीं। कहीं तुमने गलती से ड्रेस पहन ली तो पूरे मॉल में ना मजाक बन जाएगा तुम्हारा, तो रहने दो प्लीज। तो तुम ये कह रहे हो कि जब मिस लूथरा ड्रेसेस पहनती है तो तुम्हें बहुत पसंद आती है? ऑफ कोर्स। यू नो व्हाट, मैं तुमसे कहने तो कुछ और आई,
लेकिन अब ये बात ही स्टार्ट हो गई है तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तुम्हें मिस लूथरा का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा ही पसंद है ना? ऑफ कोर्स, तुमसे कहीं ज्यादा। देखा ना तुमने, स्टाइल है स्टाइल। लिसन, मैं चाहे कुछ भी पहन लूँ ना, तब भी मिस लूथरा से 100 times बेटर ही लगूंगी। वो एक गलतफहमी है, ओके? तुम समझते क्या अपने आप को, हाँ? अंबाला की ब्यूटी किंग? तुम फालतू में मुझे टॉन्ट क्यों कर रहे हो? टॉन्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ मैं, सच। तो मैं भी तुम्हें एक सच बता देती, मैं भी इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग सकती हूँ। देखते हैं फिर। ठीक है, देख लेना। ओके। आइडिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चल 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 चल। अरे साक्षी, मॉन्टी तुम लोग यहाँ? ये मुसीबत कहाँ से आ गई यहाँ पे? हाय। हेलो मैम। हाय। लेट मी गेस, शॉपिंग शादी के बाद फर्स्ट टाइम, राइट? हाँ। अच्छा, तुम्हारे रवि भैया भी आए हैं क्या? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। ओके, तो बताओ तुम्हारे रवि भैया किस तरफ गए हैं? भैया तो इस तरफ। Listen, I understand store बहुत बड़ा है, confusion हो सकती है, but please सोच समझ के बताओ किस तरफ गए हैं? साक्षी, तुम्ही बताओ ना, तुम्हें तो पता होगा, तुम ही बता दो। हाँ। इधर। थोड़ी देर पहले इधर थे ना? पता नहीं। पता नहीं, शायद। एक मिनट। मैंने शायद रवि की आवाज सुनी अभी। देविका भी है क्या उसके साथ? नहीं। What is wrong with you guys? तुम लोग दोनों इतने confused क्यों हो? मुझे भी confused किए जा रहे हो। Listen, I understand तुम दोनों की कल ही शादी हुई है, but compatibility, understanding नाम की कोई चीज होनी चाहिए ना? वो actually नई शादी हुई है ना, तो इतना understanding होती तो कोई problem ही नहीं होती। Listen, मैं खुद ही देख लूंगी। हाँ, एक्सक्यूज मी। मुझे थोड़ी ना पता था उनके सामने क्या बताना है। अच्छा ठीक है। क्या करें? मुझे तो दीपो देखना था, इतना अच्छा आइडिया कहीं ड्रॉप ना हो जाए। चल ठीक है। मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मैं भी पहन के दिखाऊंगी। मुझे चाहिए होगी तुम मेरी हेल्प के लिए। मैंने खाम का ये चैलेंज कर दिया, पहनी तो पड़ेगी। टेंशन मत लो आप, चलो ना। आपको आप यहाँ पे क्या कर रहे? चलो चलो, आप मेरे साथ चलो। साक्षी, मैं यहाँ पे नंबर मेरा आने वाला है। चीजों, एक बहुत बड़ा सा ट्रायल रूम है और खाली भी है। अरे बट साक्षी, चलो मेरे साथ, प्लीज आराम से आप चेंज करना। साक्षी, तुम भी ना हर बार जिद करती रहती हो। चलो बट ये कलर्स ठीक है सारे? बहुत अच्छा है, ब्लू बहुत अच्छा लगेगा जीजू आपके, और येलो भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, सभी कुछ अच्छा लगेगा जीजू। क्या हो गया? साक्षी, अच्छा वो तू आ गई। देखना, ये ज़िप्पर से बंद ही नहीं हो रही है। हेल्प करना जरा। साक्षी खड़ी क्या, हेल्प कर, ये ज़िप बंद कर, अटक गई है। साक्षी हेल्प करना, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, बंद करना।
साक्षी पता है मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है इन कपड़ों में। मैंने रवि को चैलेंज तो कर दिया लेकिन तुझे पता है ना मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी भी नहीं पहने। मैंने सोचा भी नहीं था पहनने पड़ेंगे। अब मैं बहुत अजीब लग रही हूँ क्या? देख तू मुझे बता दे जैसा भी है। मैंने सिर्फ रवि के लिए पहन लिए ये। साक्षी बताना सच सच मैं बहुत अजीब तो नहीं लग रही हूँ ना? देख मुझे झूठ मत बोलना। ठीक लग रहा है ना ये? साक्षी ये देख कौन है? क्या कर रही हो तुम? कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, सदके तेरे। रवि तुम यहाँ? एक सेकंड, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। अब तुम फिर शुरू हो जाओगी, फिर 50 इल्जाम होगे, पटाखे फोड़ोगे, लेकिन उनकी आवाज मेरे इन कानों में नहीं बल्कि यहाँ दिल के कानों में सुनाई देगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत ज्यादा मजबूत है। तुम काम करो, तुम शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ कि मैं इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूँ, सबसे गलत आदमी हूँ, और मैं यहाँ पर जानबूझकर आया हूँ, और मैंने ही दरवाजा बाहर से लॉक किया जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर भी कैसे? क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना, मैंने तो PhD करी हुई है इन सब कामों के अंदर, राइट? यही सोच रही हो ना? एक्चुअली तुम सोच सकती हो, कुछ भी सोच सकती हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारी सोच की तो कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारी सोच तो हिमालय पर्वत से ऊपर तक पहुंचती है, आसमान तक को छूती है, और तुम्हें कोई मना कर भी नहीं सकता। इसलिए तुम प्लीज शुरू हो जाओ और कह दो कि मैं दुनिया का सबसे गलत आदमी हूँ। तुम क्या कहोगी? मैं कहता हूँ मैंने ही सब कुछ गलत किया है, मैं ही जानबूझ कर यहाँ पर आया हूँ। रवि अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें अब कभी गलत नहीं समझ सकती? कैसे बताऊं कि मेरे लिए तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान सिर्फ तुम हो? 2 मिनट चुप हो जाओ ना प्लीज, इतना कुछ कहना है तुमसे। कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है अकेले में बात करने का। आज अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी मैं, कहने दो ना मुझे। क्या हुआ? डिसाइड नहीं कर पा रही कि अपनी कच 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 कहां से शुरू करोगी? इसलिए लड़ोगी जरूर कि मैं यहाँ पर अंदर क्यों आया, ओके? बल्कि मेरे हिसाब से तुम लड़ाई के साथ साथ आज तुम मेरे ऊपर एक बड़ा वाला इल्जाम लगाओगी, एकदम बड़ा वाला, एकदम हटके, जो आज तक कभी नहीं लगाया। लेकिन एक बात तुम भी मेरी साफ साफ सुन लो मिस कचकच, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ यहाँ इस मॉल में आई हो ना, तो मैं यहाँ पर कभी आता ही ना। वो तो मोंटी ने मुझसे कहा कि भैया मेरी हेल्प कर दो, साक्षी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया उसकी हेल्प करने के लिए। बस मतलब तुम ना साक्षी के लिए आए हो? मतलब साक्षी मेरी बहन है इसीलिए? तो इनडायरेक्टली तुम मेरे लिए आए? वाह, मतलब तुम्हारी टेढ़ी सोच ना कमाल की है। जलेबी की तरह घुमा फिरा के तुम यही साबित करना चाहती हो कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया ताकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस ट्रायल रूम में बंद हो सकूं और तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकूं अकेले में, राइट? नहीं रवि, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रही थी। तो तुम क्या कहना चाहती थी? तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पर ये ड्रेस खरीदने आया हूँ क्योंकि तुम मुझे साड़ी में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मॉडर्न कपड़े पहनो। जब से मुझे एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। तुमने किसी आदमी को देखा है? ब्राउन आईज, थोड़े लंबे बाल हैं, स्टबल रखता है, वेरी हैंडसम, वेरी फिट, देखा? आपको कहीं उस मैम ने तो नहीं भेजा ना? देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए आई थी, मैं नीचे ही जा रही थी। आप मेरी बात पे विश्वास रखिए, सच में कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है मैम। एक मिनट, ये तुम क्या बोली जा रही हो? मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने उस आदमी को देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ, बताओ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ पे इस फ्लोर पे दोबारा आऊंगी ही नहीं मैम, प्रॉमिस मैम। अरे रवि, सॉरी मिस लूथरा, आप अभी तक गई नहीं? नहीं, वो अभी मेरी शॉपिंग बाकी है। लगता है जो आपको पसंद है वो अभी तक आपको मिला नहीं। हाँ रव, वो एक्चुअली क्या है कि मुझे जिस तरह की ड्रेसेस पसंद हैं वो मुझे अभी तक कहीं दिखी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, वो आप तो एकदम फॉरेन ब्रांड पहनती है ना, तो
एक्चुअली इस फ्लोर में आपकी पसंद की कोई चीज है ही नहीं, तो मैं आपको ले चलती हूँ ना, बहुत अच्छे कपड़े वहाँ पे। चलिए चलिए चलिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। लेकिन मैं नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। मिस लूथरन चलिए ना, वेट। देखो तुम मेरी चिंता मत करो, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ढूंढ लूंगी। आर यू श्योर? मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली श्योर। तुम क्या कह रही थी, वो नीचे वाले फ्लोर पे है ना? हाँ मैं वहीं जा रही थी, सो थैंक यू। ओके, तो आइस कोल्ड मिस कचकच को अब फायर हॉट मिस कचकच बनना है, मतलब अपनी बोरिंग साड़ी से कुछ अलग ट्राई करना है। इसका मतलब मैं बोरिंग हूँ? देखो मेरा मुंह मत करो, ठीक है? अरे भाई साहब कोई है बाहर क्या? एक सेकंड, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो लड़कियां साड़ी पहनती है वो बोरिंग होती है? देखो सबके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर पीएचडी नहीं की हुई। एक पल्ले पढ़िए ना तो काफी है मेरे लिए। पल्ले पढ़िए का क्या मतलब है? क्या मैं जबरदस्ती तुमसे कहती हूँ कि मेरे साथ रहो? मतलब तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? तो वो सारे गिफ्ट्स और मीठी मीठी बातें वो सब झूठ है? कभी कभी झूठ बोलना पड़ता ना, शादी किया तुमसे मैंने। शौली तो तुम झूठ बोल रहे थे। तो एक बात मेरी भी सुन लो, मुझे कोई शौक नहीं है साड़ी पहन पहन के घूमने का। वो तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लड़कियां साड़ी में सबसे खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया था कि तुम्हारे मन का ख्याल रखूं। लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो मैं बोरिंग लगती हूँ ना। तो ठीक है, मैं भी वेस्टर्न कपड़ों में बहुत खुश हूँ। एक मिनट, तो इसका मतलब ये समझो कि मेरी पसंद तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ वो तो है। जब मैंने तुमसे ये कहा कि मिस लूथरा जो भी पहनती हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं, तो इसीलिए तुम ये ड्रेस लेकर यहाँ पर आई ताकि मैं तुम्हारी भी तारीफ कर सकूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे जब भी कहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो तुम्हें खुशी मिलती है, और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, बहुत ज्यादा करीब आता हूँ, देखते ही खो जाता हूँ, तो तुम्हारे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है। तो फिर तुम्हारे हर सच से बड़ा सच आज तुम जान लो, मिसेस रवि ग्रेवाल, इस साड़ी से ज्यादा सुंदर तुम पर और कुछ भी नहीं लगता। पर वैसे भी तुम कुछ भी पहन लो, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारी सादगी हो या मासूमियत, तुम्हारे हर रुख पर मुझे प्यार आता है, या बहुत ज्यादा प्यार आता है। और देविका तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे चेहरे या इन मॉडर्न कपड़ों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी आंखों में झलकता है और जो मेरे लिए बहुत अनमोल है, जैसे हमारा रिश्ता अनमोल है मेरे लिए। और अपने इसी अनमोल रिश्ते को साक्षी मानकर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, आज तक तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रवि। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ गॉड, उस साक्षी से पीछा छूटा। हम शायद रवि देविका यहीं गई, इसलिए वो जानबूझकर मुझे कहीं और भेज रहे थे। सब समझती हूँ, पर रवि है कहाँ? अब ये चुप हो गया है तो मुझे बोलना ही होगा, रवि को बताना होगा कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ मैं उससे, सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। अंबेमा प्लीज प्लीज मुझे हिम्मत दो ना कि मैं रवि को बोल सकूं कि आई लव यू रवि। मिस कचकच की कचकच रंग का सर कैसे बदल गया? लगता है आज मुझसे लड़ने का इरादा नहीं है इसका, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। लेकिन क्या ऐसी कौन सी बात है इसके मन में, कहना क्या चाहती है देविका? रवि, मैं